Assalamualaikum. Hope all of you will be fine and staying safe. First of all, let me introduce myself. My name is Abdullah Khan. Currently, I am doing Bachelor in Business Administration from Sakkar IBA University. The purpose of this video is to tell you about the scope of business administration. It's a 4-year degree in which 2 years you have to study normal subjects. And in 2 years you have to do specialization. So the most interesting thing about the BBA that every student can get easily access to the BBA, chahe unhone FA kiye, chahe FSC kiye, chahe ICOM kiye, chahe unhone A level kiye, to wo easily admission hasil kar sakte hai. इसके साथ as concerned to the scope of business administration, अगर आप specialization इसमें होती है, अगर आप उसमें आप finance में भी जा सकते हो, उसमें से आप marketing में भी जा सकते हो, human resources management में भी जा सकते हो, project management में भी जा सकते हो, supply chain management में भी जा सकते हो, marketing में भी जा सकते हो, और entrepreneurship में भी जा सकते हो. तो अगर आप फाइनेंसिंग में स्पेशलाइजेशन करो तो यू कैन इजीली गेट एक्सेस टू द बैंकिंग सेक्टर. अगर आप HRM करो, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, डेट सो आप आसो मतलब जॉब हासिल कर सकते हैं. हेल्थ केयर में मैनेजमेंट में मतलब उसके जो इंस्टीट्यूशन होती है या कोई इसके ऑर्गेनाइजेशन होती है. इसके साथ अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करो तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी एनालिसिस एंड प्लानिंग. तो आप उसमें से भी कोई भी एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम कर हासिल करके उसको आप एज इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म कर सकते हो. अगर इसमें से आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट करो तो इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड गुड्स मैन्युफैक्चर एंड हाउ टू डिलीवर दोज प्रोडक्ट्स एंड गुड टू द पब्लिक इन इफेक्टिव वे एंड लोअर कास्ट. तो आप उसमें भी जा सकते हो एज अकॉर्डिंग टू योर ओन स्किल्स एक्सेस हासिल कर सकते हो. इसके साथ साथ अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करो तो आई आल्सो लाइक एंटरप्रेन्योरशिप. तो आप एंटरप्रेन्योरशिप आप अपना छोटा सा सेटअप कर सकते हैं. इसमें से आप एज अ बॉस काम करके आप किसको एम्प्लॉय कर सकते हैं. इट्स द बेस्ट एंड इफेक्टिव वे टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द पाकिस्तान एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो आप ये भी कर सकते हैं. इसके साथ अगर आप मार्केटिंग में भी जा सकते हो कि आप किसी भी कंपनी के ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो, और इसमें आप कमीशन में भी जा सकते हो. इसके साथ साथ कमीशन में मतलब सीएसएस में और टैक्सेशन में भी जा सकते हो. बट द वन थिंग दैट एवरी स्टूडेंट हैव टू रिमेंबर इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के इसमें से जो पहली स्किल है जो हर किसी को होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल, के हाउ टू कम्युनिकेट विद द अदर, हाउ टू ट्रांसफर योर आइडिया टू द अदर. सो जो पहली चीज़ें बिजनेस में वो है कम्युनिकेशन स्किल. तो मतलब हर कोई बंदा अगर इस फील्ड में जाना चाहता है तो उसको कि उसके पास जो कम्युनिकेशन स्किल हो वो अच्छी हो. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और पर्पसफुल लगी होगी. तो दुआ में याद करना. अल्लाह हाफिज़.